मंत्री और क्या भतीजे का किया हुआ है। तो आखिर अब तक सरकार में बैठे सरकार के लड़के अभी तक अपना छुट्टी की नहीं पूछे। इसके बाद कई उदाहरण हम लोग देंगे कि किस प्रकार से सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको किस प्रकार से संरक्षण दें। हम तो मांग करते हैं कि जरा ऋषि सिंह जी का, नीतीश कुमार जी अगर ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा। तो आप गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जांच जरा निष्पक्ष तरीके से कर लीजिए, विपक्ष की मांग को भी सुनिए, जरा सीबीआई रिपोर्ट जरा निकाल दीजिएगा ऋषि सिंह जी का कि कितने बार उस थाने प्रभारी सिंह की बात हुई है, क्या बात हुई। और अद्भुत है कि कुछ दिन पहले ही जो नीतू सिंह है उन्होंने थाने में जाकर के शिकायत दर्ज की कि उनकी जान को खतरा है। इसके बाद भी कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया, ना FIR नहीं आ गया और कुछ दिनों बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो आखिर जिम्मेवार कौन? थाना प्रभारी के ऊपर जो सस्पेंड हुआ कौन था भाई? क्यों दबाव दे रहा था? कोई ना कोई तो हो। अब परिजनों की बात को लेकर के तो FIR दर्ज करना चाहिए, जब खुलेआम कह रहे कि मंत्री और उनके भतीजे ने कराया। अब देरी किस बात की? इससे पहले कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मधुबनी के फ्रीलांसर पत्रकार व RTI एक्टिविस्ट अविनाश झा की जो है दो दिन पहले जो है लापता हो गया। अब शायद अस्पताल माफियाओं के विरुद्ध में वो लगातार लिखते रहे हैं, इस वजह से हो सकता है। चार दिन पहले शिवहर में बिहार के पूर्व मंत्री रघुनाथ झा के भतीजे नवीन झा की गोली मार करके हत्या कर दी गई। चंद दिन पूर्व में मोतिहारी में पुलिस कस्टडी में एक छात्रा की मौत हुई और पुलिस के पास जो है कोई जवाब नहीं। छठ पूजा के दौरान मुख्यमंत्री के आंगन नालंदा में एक छात्रा के साथ जो है बलात्कार होता है। कुछ दिन पहले देखा जाए तो वही जदयू के विधायक जो वाल्मीकि नगर के धीरेन्द्र प्रताप सिंह पार्षद दयानंद वर्मा की हत्या की जाती है, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उसके बाद अगर आप देखें कुचायकोट के जो विधायक रहे अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे, उनके भाई भतीजे मिलकर के कितने हत्याएं कराए हैं, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जो भाजपा के मंत्री हैं उनके भाई के यहां से शराब मिला था, अब तक क्या कार्रवाई हुई, उनको बुला के पूछा गया नहीं गया, उस पर कोई जो है कोई चर्चा नहीं की गई। मधुबनी हत्याकांड जहां नरसंहार हुआ था, जहां हम लोग भी गए थे, गुटका तक निकाल लिया गया था, विनोद नारायण झा और रावण सेना के नेता के ऊपर आरोप लगा था, अब तक क्या कार्रवाई की है? पटना में गुप्ता ब्रदर्स के अपहरण को लेकर के लगातार हम लोगों ने भी आवाज उठाया, अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप देखिएगा 500 व्यवसायियों की हत्या हो गई, 15 दिन में 65 लोगों की मौतें हो गई और मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कानून अपना काम करता है। ये बिहार पुलिस पूरी तरीके से, सभी लोगों को हम नहीं कहते, लेकिन बिहार पुलिस पूरी तरीके से नीतीश कुमार की पुलिस हो गई। हम लोग मूवी देखते थे गैंग्स ऑफ वासीपुर, ये पूरा गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जी का खेल हो रहा है पूरे बिहार में, टाटा मचा रहा है।
ये लोग जिनका नाम हम लोगों ने गिनवाया, अगर सही से ढंग से अगर निकलवा दिया जाए, अगर जांच होने लगे, तो नीतीश कुमार जी की पूरी कैबिनेट, पूरे मंत्री से विधायक से लेकर के सब लोग बेवजह हो गए। ये स्थिति बनी और गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जी ने बिहार पुलिस भी शामिल है, जो निष्पक्ष रूप से जांच भी नहीं करते। ये वही लेसी सिंह जी है जिनका उपचुनाव में हम लोगों ने अपने अधिकारियों द्वारा डीलर को धमकाने का प्रयास किया था, जिसका रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने सार्वजनिक आप लोगों के समक्ष रखा था, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं। और नीतीश कुमार जी लगातार बात करते हैं तो बोलते हैं गड़बड़ लोग, गड़बड़ चीज। अरे भाई, सारे गड़बड़ लोग तो आप ही के भी लोग हैं, पूरा आपका जनता दल यूनाइटेड, आपका गठबंधन ही पूरे लोग आपको मिलेंगे गड़बड़ लोग, गड़बड़ चीजें जहां होती हैं। इतने घोटाले हो गए, किसी पे जांच नहीं, अपराध लगातार सबूत देने के बाद भी राम सूरत राय जी के भाई का सबूत हमने दिया, उसका कोई जवाब मिला नहीं और ना ही कार्रवाई हुई। अब 65 लोग मारे गए जहरीली शराब से, ये किसका विषय? नीतीश जी कहते जब पी लेगा तो मरेगा, कौन सी भाषा है? आपने तो शराब बंदी लागू की है, शराब का एक बूंद जो है बिहार में मिलना नहीं चाहिए। कौन लोग नहीं जाना कि थाना के लोग जो है तस्करी करा, बिकवाने का काम कर, एक शब्द भी नीतीश कुमार जी ने अफसोस का, निंदा का, जिनकी जाने गई है, मौतें हुई है, बयान तक नहीं गया है। जंगल राज का जिक्र करते एक आंकड़ा 1990 से लेके 2018 तक हमने सदन के अंदर रखा कि नीतीश जी के राज में लगातार अपराध बढ़ रहा है और अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आप बताएं नीतीश कुमार जी टाइम फ्रेम एक तय करें कि इनकी जो चहेती मंत्री है इनको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, कब कार्रवाई की जाएगी। कितने बहने हमारी विधवाएं हो जाएंगी तब जाकर के नीतीश कुमार जी का नींद टूटेगा। ये जवाब नीतीश कुमार जी को खुद आगे आकर के देना चाहिए। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं, हमने देखा है नीतीश कुमार जी अपने मुंह में दही जमा लेते हैं और गायब हो जाते हैं। कहां गायब होते हैं? आरोप लगते हैं, ऐसे ही नहीं लगते। हम लोगों पे भी आरोप लगा, हम लोगों ने खुद आकर के सामने बोला कि भाई जांच करो, होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इनके मंत्रियों में क्यों डर रहा है? सांच को आंच क्या? इनके मंत्री क्यों नहीं खुद आकर के कहते कि हम इस्तीफा देते हैं, हमारे जांच ईमानदारी से कराई जाए, होना चाहिए, यानी जरूर कुछ दाल में काला, दाढ़ी में तिनका। और नीतीश कुमार जी बिहार प्रशासन, पुलिस, महकमा आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा जब आपके विधायक ही आपकी नहीं सुन रहे, आपके मंत्री ही आप कंट्रोल में नहीं कर पा रहे,
कैसे चलेगा बेटा? लगातार हत्याएं, लगातार हत्याएं हो गई। इनके प्रदेश अध्यक्ष है वो एक कुशवाहा जी, उस पर भी हत्या का आरोप लगाते हैं। कैसे हत्या की? हम लोग भी वहां गए थे वैशाली जिला, उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो लगातार तो आप ही के दल के और आप ही के गठबंधन के लोगों का लगातार नाम आता है। अब पुलिस खामोश हो जाती है क्योंकि पुलिस का नियंत्रण जो है आपके हाथ। इसलिए लगातार हम लोग जो है ये चाहते हैं कि ईमानदारी से जांच हो। मुख्यमंत्री जो है सामने आकर के स्पष्टीकरण दे, मंत्री को बर्खास्त करे। लेकिन देखिए होता है, चार दिन बाद आप लोग भी भूल जाइए, लोगों का आंसू सूख जाए, कार्रवाई के नाम पे बस लिपापोती हो, कुछ होना होना है। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराधियों पर कार्रवाई कैसे हो सकती है जब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो? ईमानदारी से जांच कैसे हो सकती है जब तक नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त रहेगा? इसलिए हमको लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके अब इतना बड़ा और किसी राज्य में अगर कोई ऐसी घटना हुई होती, किसी मंत्री पे ऐसे आरोप लग गए होते, तो आप समझ रहे क्या होगा? योगी और नीतीश कुमार जी में कोई फर्क तो नजर आ नहीं रहा, एक जैसे ही लग रहे हैं दोनों। योगी जी वाला हाल आप लोगों ने देखा है, कैसे किसानों को रौंद रहे, मंत्री साथ में खड़ा। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराधी जो है बिना डर के AK-47 लेके ढूंढने जा रहे हैं लोगों को, और जिन पे आरोप लग रहा है मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में। कोई अंतर हमको तो नजर ही नहीं आ रहा नीतीश कुमार जी और योगी आदित्यनाथ। ये डबल इंजन है, या एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन पूरी तरीके से अपराध में है। इन सारी चीजों को हम लोग देख रहे, बिहार का विधानसभा का सत्र भी आएगा, यहां भी हम लोग जो है लगातार हम लोग उन चीजों को लेकर के आवाज उठाए। लेकिन मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेवारी बनती है, गृह मंत्री की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। अगर ईमानदार है, अगर उन्होंने हत्या नहीं करवाई तो जांच की अपील कर इस्तीफा दे, अपना CDR रिपोर्ट खुद ही जमा करें, लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में डालें, पता चल जाए कि क्या मामला है। जिसने अपना पति खोया है वो लगातार कह रही है कि नीतीश कुमार जी ने किया है, ऋषि सिंह ने किया है, उसके भतीजे ने किया है। अब इंतजार किस बात का, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? तो इनसे रिलेटेड चाहे शराब माफिया हो, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि शराब से कई जिलों में जो है लोग मारे गए हैं, लगभग 65 लोगों की जान गई। इसको लेकर के भी प्रदेश अध्यक्ष जी जगदा बाबू जी ने राष्ट्रीय जनता दल की टीम बनाई है, अलग अलग जिला जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। लेकिन ये घटना कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है, ये घटनाएं लगातार होती रहती है।
धन्यवाद कौन है? आप भाई बंदी किए हैं तो चालू कैसे है शराब, होम डिलीवरी कैसे है? पूरी तरीके से पुलिस जो है कमाने में लगी थी, इधर अपराधी जो है बेखौफ जो है घूमते चले जा रहे। तो इसमें सबूत भी है, गवाह भी है, सीसीटीवी में सब लोगों ने देखा भी है कि किस प्रकार से गोली चलाई गई। दोबारा वो देखने भी गया कंफर्म करने की मरा है कि नहीं मरा है, गट्स देख लीजिए। पहले लोग गोली मार के भाग जाते थे, आजकल गोली मार के दोबारा देखने जाते हैं कि जिंदा है कि मरा है। कितना भारी अंतर आ गया नीतीश जी के इस सुशासन के राज में। तो इससे कोई जुड़ा हुआ अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।